खबरों के लिए बने रहे सोना रानी के साथ। बलिया में धरल्ले से हो रही है अवैध बालू का खनन। अवैध बालू की खनन से जिला प्रशासन हुआ बेखबर। गंगा नदी से अवैध बालू लेकर प्रतिदिन निकलती है सैकड़ों ट्रैक्टर। धरल्ले से अवैध बालू की गाड़ियां शहर में मार रही है फराटा। दुबहर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर घाट के समीप का है मामला। यूपी में थाना छावनी अंतर्गत खत्म सराय सौराहे पर चाय की दुकान में लगी अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज पवन मौर्य फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर पाया काबू। मौके पर पहुंचे लेखापाल कानून को कर रहे हैं जांच। अररिया जिले के नवाबगंज पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 में प्रगति बाल विकास योजना के तहत प्रगति शिशु विद्यालय का शुभारम्भ शुक्रवार को रिबन काट कर किया गया। अररिया जिले के भड़गामा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर समीप बड़े पैमाने में लछा नदी में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। लगभग सप्ताह भर से हो रहे अवैध खनन में इलाकाई बालू माफिया सक्रिय हैं। हालांकि मीडिया का कैमरा चमकने के साथ ही बालू माफिया में खलबली मच गई है। यूपी के बलिया जनपद के बासडीह विधानसभा क्षेत्र पहुंचे बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने जमकर मंच पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को राजनीतिक विकलांग बताते हुए अखिलेश यादव को छड़ी का सहयोग ले रहे हैं। स्वर्ण रानी के साथ बने रहे न्यूज़ क्राइम 24 के साथ।